Hello students, how are you all? I'm Mrs. Pooja. I'm your science teacher. I'm taking class 3rd science subject. And your chapter is number 2, parts of a plant. As you know, that you have already learned that plants are living things. They use water, air, mineral salts and sunlight to grow. Most plants grow out of the seeds. The part of the plant which remains under the ground is called its root. The part of the plant which is above the ground is called its shoot. The shoot consists of leaves, stems, branches, flowers and fruits. Each of these parts has a special job to do. In Hindi, आप सभी ने पढ़ा है कि प्लांट्स लिविंग थिंग्स मीन्स सजीव हैं। वे वाटर, हवा, खनिज पदार्थ और सनलाइट यूज करते हैं ग्रो करने के लिए। ज्यादा जो प्लांट्स हैं वो बीज के द्वारा होते हैं, आउट ऑफ द सीड्स। जो पार्ट प्लांट का जमीन के अंदर होता है रूट कहलाता है, और जो पार्ट जमीन के बाहर हमें दिखाई देता है उस पूरे पार्ट को शूट कहेंगे। द शूट कंसिस्ट ऑफ लीव्स, शूट एरिया में लीव्स होंगे, स्टेम होगी, ब्रांचेस होंगे, फ्लावर्स और फ्रूट मिलेंगे। ईच ऑफ दिस पार्ट्स हैज अ स्पेशल जॉब टू डू, और इन सभी पार्ट्स का अलग अलग खास काम होता है प्लांट्स के लिए। तो हमने जाना कि पार्ट्स जो हैं प्लांट के वो क्या क्या हैं। मेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, रूट एंड शूट। अंडर द ग्राउंड रूट, अबव द ग्राउंड इट इज शूट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू लर्न समथिंग। Bye-bye.